गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में किए थे, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में देखे थे, टर्मिनल के बारे में क्या क्या पार्ट्स होता है इसके, और पहले हम लोग इस मोटर का टर्मिनल भी फाइंड आउट कर चुके थे। तो आज हम लोग ये स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है और ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इसका कनेक्शन करके हम लोग देखेंगे। और ये स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है किस टाइप का है, तो ये मैनुअल है, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है हैंडल भी है। ये नीचे यानी कि नीचे करेंगे तो स्टार में और ऊपर करेंगे तो डेल्टा में, यानी कि स्टार्ट करेंगे नीचे से और ऊपर से क्या होगा, रन करेगा। तो इस तरह से हमने इस स्टार्टर के बारे में पहले तो हम लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं, तो आज हम लोग इसको करेंगे इसका कनेक्शन करके। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग इस मोटर का टर्मिनल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस मोटर का टर्मिनल फाइंड आउट करने के लिए ये मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी चेक करने के बाद यहाँ देखेंगे ये कंटिन्यूटी पे रख दिए। अब ये टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है यहाँ आगे करेंगे, ये एक एक टर्मिनल को लेकर के चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ टर्मिनल, ये यहाँ लीड दो तार को लिए आपस में सटाएं, तो देखिए ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, ठीक है। कंटिन्यूटी ये कंटिन्यूटी इसका दिखा रहा है, यानी कि ये जो है ये जो टर्मिनल हमने देख रहा है यहाँ, ये दो तार लिया, दोनों को सटा करके देख लिया। तो ऐसे एक एक करके हम लोग ये टर्मिनल बॉक्स पे यहीं पे चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। ये लीड लगा करके यहाँ चेक कर ले रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। इसको ये देखो, ये टर्मिनल पे लगाएं और यहाँ बारी बारी से टच करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ सटाएँ, नहीं बताया, फिर इसको यहाँ सटाएँ, तो ये दिखा रहा है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो यानी कि ये रेड वाला और पीला वाला एक कॉइल हो गया। फिर इसके बाद अनदर टर्मिनल पे सटाएंगे, तो फिर यहाँ ये बता रहा है। तो ये क्या है हम लोगों का, ब्लू वाला, दो ब्लू वाला टर्मिनल जो होगा दूसरा कॉइल हो गया। फिर इसके बाद अलग टर्मिनल पे सटा देंगे, तो यहाँ इस तरह से देखें कि ये पता चला क्या है, ये टर्मिनल, यानी कि ये ब्लैक वाला एक कॉइल हो गया, ये ब्लैक वाला एक कॉइल, फिर इसके बाद ये ब्लू वाला एक कॉइल दूसरा कॉइल, और ये ग्रीन रेड और पीला वाला एक कॉइल का दो दो टर्मिनल हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखे थे कि ये टर्मिनल फाइंड आउट किए थे, ठीक है। तो टर्मिनल फाइंड आउट करने के लिए तो हो गया, लेकिन अब ये मोटर का फेज सीक्वेंस भी चेक करना है। तो फेज सीक्वेंस करने के लिए हम लोग ये टेस्ट लैंप के द्वारा या स्पार्किंग मेथड के द्वारा कर चुके थे, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं टर्मिनल में कि ये जो है कि टर्मिनल जो आएगा कि फेज सीक्वेंस करना है, तो यहाँ हमने वन यानी कि ये कॉइल पता किया कि ये कॉइल है, तो इसका पहला सिरा और दूसरा सिरा कौन है, ठीक है। फिर इस कॉइल का पहला सिरा और दूसरा सिरा कौन है, तो इस तरह से हमने पहले पिछले प्रैक्टिकल में बता चुका था कि यहाँ जो टर्मिनल पे बॉक्स पे देखेंगे, यहाँ टर्मिनल बॉक्स पे, ये टर्मिनल बॉक्स पे देख रहे हैं हम लोग, टर्मिनल बॉक्स पे यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग कि पहला टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल कौन है। कहने का मतलब कि ये जो है हमने पहले पिछले प्रैक्टिकल में कर लिया था कि इधर वाला जो टर्मिनल दिखाई दे रहा है एक साइड वाला, ये पहला सिरा और उधर वाला क्या है, दूसरा सिरा। यानी कि ये तीन को, जैसे कि अभी कॉइल हमने पता किया कि ये पहला कॉइल हो गया, ये दूसरा कॉइल हो गया और ये तीसरा कॉइल हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये पेयर जो है पीला ब्लू ब्लू वाला पहला टर्मिनल, ये ब्लैक ब्लैक वाला दूसरा कॉइल और रेड रेड वाला तीसरा कॉइल, इस तरह से पता किया। तो फेज सीक्वेंस से हमने ये पता किया था, एक साइड वाला ये हमने कर लिया क्या कि ए कॉइल, बी कॉइल और सी कॉइल, इस तरह से। तो वन ए कॉइल का वन सिरा ये हो गया, ये बी कॉइल का वन सिरा इस साइड हो गया और सी कॉइल का वन सिरा इस साइड हो गया। तो इस तरह से हमने एक साइड वाला देख लिया कि सब वन वन सिरा है, यानी कि ये पीला ब्लैक और ब्लू, और इस साइड वाला क्या हो जाएगा हम लोग का, दूसरा सिरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं स्टार्टर। तो स्टार्टर में जो देख रहे हैं हम लोग, तो स्टार्टर में क्या है कि इसका टर्मिनल को देखेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं इसका ढक्कन खोलने के बाद यहाँ, तो ये जो देख रहे हैं हैंडल जो है,
ये ऊपर जो करेंगे इसको, तो ऊपर करने के बाद यहाँ इस टर्मिनल को सटा रहा है, यानी कि इसको ये और ये, इस टर्मिनल को सटाने के लिए यहाँ स्टार बना रहा है। और फिर जैसे ही नीचे करेंगे तो तीनों एक साथ मिला करके ये लाइन से जोड़ करके डेल्टा बना देता है। तो चलिए इसको हम लोग कनेक्शन करके देखेंगे। तो यहाँ ये टर्मिनल जो देख रहे हैं हम लोग, ये टर्मिनल में पहला कॉइल जो है, ये पहला कॉइल हमने इस दो को लिया यानी कि ब्लू वाला को। तो एक फर्स्ट टर्मिनल ये है यानी कि A1, इसको क्या कहेंगे A1। तो A1 को इस टर्मिनल से ला करके यहाँ हम लोग जोड़ेंगे। ये जो स्टार्टर का जो है हैंडल यानी कि जो स्टार बन रहा है उस टर्मिनल पे लेकर के जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर इस तरह से यानी कि जो हम लोग स्टार करने के लिए वाइंडिंग का जो हमें पता होना चाहिए कि पहला टर्मिनल कौन है, तो ये फेज सीक्वेंस से पता करके ये A1 यानी कि A1 को इसके साथ जोड़ दिए, ठीक है। ये कौन होगा टर्मिनल A1। फिर इसके बाद यहाँ दूसरा कॉइल जो है इस साइड, तो दूसरा कॉइल यानी कि B जो होगा, B किससे जुड़ जाएगा हमें, B का पहला सिरा यानी कि क्या मानेंगे इसको B1, इसको क्या कहेंगे हम लोग B1, ठीक है। तो B1 ये दूसरे टर्मिनल से इसको जोड़ेंगे, यहाँ इसको स्क्रू ढीला करके और इसके बाद इसको टाइट करना होगा, ठीक है। तो इस स्टार्टर के टर्मिनल में हमने ये बी को जोड़ दिया यानी कि B1 को, और ये पीला वाला जो है हमने सी यानी कि तीसरा टर्मिनल है, ठीक है, तीसरा टर्मिनल है। तो इसको करने के लिए यहाँ हम लोग देखेंगे, तो इसको क्या कर लेंगे, ये इस टर्मिनल से हमने जोड़ दिया, ये स्टार्टर के जो तीसरा पॉइंट है उससे जोड़ देंगे। तो इसको स्क्रू को थोड़ा ढीला कर लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। तो इस तरह से हमें 1 यानी कि C1, B1 और A1 इस तरह से तीनों टर्मिनल को जोड़ दिए। और तीनों टर्मिनल को हमें इसमें इसलिए जोड़ा है कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग ये हैंडल को उठाएंगे तो तीनों जो है यहाँ इस टर्मिनल को देखिए, ये ध्यान से देखिए इस वीडियो में, ये इस टर्मिनल को ला करके यहाँ सटा रहा है, इसको टच कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद इस टर्मिनल को यहाँ जोड़े हैं तो इसमें टच कर रहा है, फिर इसको इस टर्मिनल में टच कर रहा है। तो ये तीनों टर्मिनल जो है एक एक टर्मिनल आपस में ये नीचे पत्ती में जो है ये देखिए यहाँ शॉर्ट किया हुआ है, यानी कि तीनों को एक साथ जोड़ दिया है। तीनों को एक साथ जोड़ने का मतलब ये स्टार बना दिया, और बाकी जो तीन टर्मिनल होगा वो तीसरे से अलग अलग टर्मिनल से जुड़ेगा। तो अब इसको इसके लिए एक हम लोग यहाँ सर्किट में देखेंगे इसके द्वारा। जैसे अभी जो है, अभी ये जो हमने क्या किया, ये पहला फिगर जो है ऊपर वाला स्टार का है, यानी कि अभी हैंडल नीचे रहेगा तो स्टार कनेक्शन होगा। तो स्टार कैसे किया, यहाँ देख रहे हैं ये A1, फिर B1 और C1 तीनों को आपस में मिलाए हुआ है हैंडल के द्वारा इसमें। और मिलाने के बाद अब इसके साथ जो टर्मिनल आएगा C2 आएगा, फिर इसके साथ जो टर्मिनल देंगे A2 देंगे, और फिर इसके साथ जो टर्मिनल देंगे B2। तो इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ डेल्टा। तो डेल्टा कब होगा, हैंडल को जब घुमाएंगे तो ये नीचे कनेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से दो दो टर्मिनल को आपस में मिला करके और यहाँ L1, L2 और L3 से निकाल देते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो अभी अभी हमने क्या किया कि A1 पहला कॉइल, B1 दूसरा कॉइल, C1 को एक एक साथ जोड़ दिया। तो डेल्टा बनाने के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि A1 यानी कि A का पहला कॉइल का दूसरा सिरा B का पहले सिरे से जोड़ते हैं। तो B का पहला सिरा तो जोड़ दिया यानी कि A2 अब उठाएंगे B1 के साथ। तो A2 इसमें कौन सा हमने माना, ये और A1, तो A2 इसको हमने माना। तो A2 जो जोड़ देंगे किसके साथ, A2 जो जोड़ दिए हम लोग ने पहला कॉइल इसको लिए और 1, तो ये 2 हो गया। तो दूसरा कॉइल का ये दूसरा कॉइल का B1 के साथ जोड़ेंगे यानी कि ये A2 जो होगा हम लोग का B1 के साथ जाएगा, ठीक है। ये इस टर्मिनल में घुसाएंगे इसको और इसके अंदर वाले में लगा देंगे। तो स्क्रू को ढीला करते हुए इसके बाद कनेक्शन टाइट होना चाहिए, ये स्लॉट दिया हुआ है इसमें लगा करके तार को कस देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ, यहाँ देख रहे हैं हम लोग इस टर्मिनल बॉक्स पे, मोटर के टर्मिनल बॉक्स पे, कि अभी अभी जो हमने
ये क्या किया, A1 A2 का यहाँ जोड़ दिया। फिर अब इसके बाद फिर यहाँ देखेंगे इसके, तो अभी A2 जो है B1 के साथ जुड़ गया, तो फिर B2 जो है C1 के साथ जुड़ेगा। तो B2 का टर्मिनल हमने ये ब्लैक वाला पता किया था, ये B2 है, तो B2 किसके साथ जाएगा, C1 के साथ, ठीक है। तो C1 जो है C का इधर वाला टर्मिनल हम लोग जो जोड़ रखे हैं इधर वाला में पीला वाला के साथ लगा देंगे, ये स्क्रू को ढीला करेंगे, फिर इसके बाद टाइट कर देंगे यहाँ। अब ये एक और टर्मिनल हम लोग का रह गया, यानी कि A2। अब ये A2 किसके साथ जाएगा, A2 नहीं, ये A1 क्या बचा हुआ है, A1 C2, हाँ C2 के साथ जोड़ देंगे, ये इसमें आएगा, और ये हाँ ये आ गया C2 जो है ये A1 के साथ जुड़ गया। ये C2 टर्मिनल क्या है, लाल वाला C2 टर्मिनल, C2 टर्मिनल किसके साथ जाएगा, A1 के साथ। तो पहले जो हम लोग जोड़ दिए तो इसके साथ जुड़ गया। तो अभी यहाँ जो हम लोग का ये 6 टर्मिनल जो है मोटर का, और ये मोटर का ये 6 टर्मिनल तीनों जो है यहाँ स्टार्टर के साथ 6 टर्मिनल से जुड़ गया। और एक चीज़ यहाँ दिखाना है, यहाँ अभी इसमें जो हम लोग ये तार और ये तार, ये जो मोटर का टर्मिनल जोड़ दिए हैं, और एक जो दिखा दे रहा है यहाँ, ये लाइन से यानी कि पैनल से आया है L1, यहाँ इस पैनल से आया L2, और इस पैनल से आया L3। तो इस तरह से इसमें जुड़ा हुआ है पहले से, और हम लोग ने इस स्टार्टर को क्या कर दिया, मोटर के टर्मिनल से जोड़ दिया। अब इसके बाद इस ढक्कन को बंद करेंगे और फिर इसको हम लोग इसको चालू करके देखेंगे। तो चालू करने के लिए यहाँ पैनल में लाइन आना चाहिए, तो देख रहे हैं यहाँ पैनल में ऑन करने के बाद ये, तो यहाँ लाइन आ गया, तीनों फेज में आया हुआ है, इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे इसको, पहले ये स्टार्टर का जो हैंडल है उसको ऑन करेंगे। फिर ऑन करने के लिए पहले हैंडल को ऊपर नहीं करेंगे, ऊपर करेंगे तो डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा, तो इसके लिए पहले हमें नीचे करना है। तो नीचे में पहले स्टार्ट होगा, स्टार्ट यानी कि स्टार कनेक्शन में जाएगा, फिर हैंडल को ऊपर करेंगे तो फिर डेल्टा में घूमेगा। तो हैंडल को यहाँ नीचे किए, और ये देखिए मोटर घूम रहा है, तो मोटर घूमने के बाद फिर हैंडल को ऊपर करेंगे, हैंडल को ऊपर करेंगे, और हैंडल को ऊपर करने के बाद फिर ये मोटर किस कनेक्शन में चलने लगेगा, डेल्टा कनेक्शन में। ये हैंडल ऊपर कर दिए और इसमें NVC लगा हुआ है, ये हैंडल को जकड़ लिया और फिर ये क्या हो गया, मोटर डेल्टा कनेक्शन में चलने लगा। अब इस मोटर को हमें बंद करना है, तो यहाँ स्टॉप पुश बटन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ स्टॉप पुश बटन दिया हुआ है, और इस पुश बटन को पुश करेंगे तो हैंडल ये नॉर्मल अवस्था में चला आएगा, और धीरे धीरे मोटर क्या होगा, बंद हो जाएगा। बंद हो गया, मोटर का स्पीड ये रुक गया। तो इस तरह से देख रहे हैं मोटर का जो पुली है अभी धीरे धीरे घूम रहा है, अब कुछ देर में ये रुक जाएगा। तो रुक गया अब बिल्कुल, तो फिर इसको चलाना होगा मोटर को, तो डायरेक्ट हैंडल को ऊपर नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको नीचे यानी कि स्टार में करेंगे, और स्टार कनेक्शन में करने के बाद फिर कुछ देर चलना होता है, 70-75% स्पीड प्राप्त कर लेगा, तो फिर हैंडल को डेल्टा कनेक्शन में कर करके, और मोटर को वो डेल्टा कनेक्शन में हैंडल हो गया, और इस तरह से मोटर चलते रहेगा, ठीक है। तो फिर मोटर बंद करना होगा, यहाँ से हम लोग बंद कर देंगे, हैंडल आ जाएगा, बंद हो गया धीरे धीरे। तो इस तरह से अभी जो हम लोग आज जो प्रैक्टिकल किए हैं, ये डेल्टा कनेक्शन यानी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ 3-फेज मोटर का कनेक्शन किए हैं। तो ये हम लोग ने अभी जो हम लोग किया मैनुअल स्टार डेल्टा, ये क्या है, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ कनेक्शन करके मोटर को चलाया, ठीक है। तो फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके लिए आज के लिए कितना देर हुआ।